आप सभी का स्वागत करता हूं, स्वागत है आप सभी का पोस्ट मैच अपडेट में। जी हां, दूसरा मुकाबला भी यहां पर भारत ने जीत लिया है 56 रनों से, डीएलएस मेथड से यह मैच को जीता। विराट कोहली ने यहां पर फिर से टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी की। जी हां, भारत की सलामी जोड़ी फिर से कुछ खास नहीं रही, शिखर धवन फिर से चलते बने, उसके बाद रोहित शर्मा भी कुछ अच्छे खेल रहे थे मगर उनको बराबर स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, उन्होंने भी कुछ खास नहीं कर पाए। दूसरा विकेट भी जल्दी चलता बना, उसके बाद आए यहाँ पर ऋषभ पंत और विराट कोहली। जी हाँ, ऋषभ पंत यहाँ पर चौथे नंबर पर उन्हें फिर से आजमाया गया था, वहाँ पर उन्हें कुछ खास नहीं कर पाए। और यस, विराट कोहली की अगर हम बात करें तो रन मशीन कोहली, कैरियर का इंटरनेशनल 42वां यहाँ पर उन्होंने शतक अपना जड़ा, जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से 7 ही शतक यहाँ पर दूर है और 216 इनिंग्स आगे हैं। अगर हम बात करें तो विराट कोहली की काफ़ी एक अच्छा यहाँ पर कैमियो खेला, उन्होंने काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की, 120 रन उन्होंने बनाए। तो वहीं पर पांचवें नंबर पर यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, एक मौका मिला लंबे अंतराल के बाद, उन्हें मौका दिया गया। मनीष पांडे की जगह पर यहाँ पर खेल रहे थे, उन्होंने यहाँ पर 71 रन किए। उसके बाद भारत ने 279 का लक्ष्य रखा था वेस्टइंडीज़ के सामने, वेस्टइंडीज़ की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी रही, 45 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद फिर क्रिस गेल चलते बने, इवन लुइस ने काफ़ी अच्छी पारी खेली उन्होंने। उसके बाद सिमरन हेड प्लेयर, तो वहीं पर अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में चेस है, चेस ने भी अच्छी गेंदबाजी की। यहाँ पे गेंदबाजी में मुझे थोड़ी सी कमी दिखी वेस्टइंडीज़ की, क्योंकि दो स्पिनर की ज़रूरत थी मगर वहाँ पर उन्होंने एक ही स्पिनर को खिलाया। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत ने गेंदबाज की थी, हाँ भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी, के खलील अहमद, यस। और अब हम बात करना चाहते हैं तीसरे वनडे की। तीसरे वनडे में मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में नवदीप सैनी को एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको टीम पर रखा है तो एक मौका ज़रूर बनता है, क्योंकि वो टेस्ट टीम पे तो है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी की, यस बल्लेबाजी में यहाँ पर अनचेंज रहेगी वही टीम, बस खलील अहमद की जगह पर यहाँ पर नवदीप सैनी को एक मौका देना चाहिए। वहीं पर अगर हम वेस्टइंडीज़ की बात करें तो वेस्टइंडीज़ की टीम, अब ये देखना है क्या वो एक अतिरिक्त यहाँ पर गेंदबाज, एक अतिरिक्त स्पिनर अपने टीम में शामिल करते हैं, किस प्रकार की रणनीति रहेगी वेस्टइंडीज़ की, कौन से अपना गेम प्लानिंग करते हैं और कौन से प्लेइंग 11 रखते हैं भारत के खिलाफ। तो वहीं पर भारतीय टीम क्या वो यहाँ पर चेंजेस करती है, क्या नवदीप सैनी को तीसरे और आखिरी वनडे में मौका मिल सकता है, ये सब के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कमेंटेटर सुनील गुरुंग और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।